नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की जो सीरीज़ हमारी चल रही है, इसमें हमने अभी तक 2250 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो आरपीएससी लाइब्रेरियन की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। साथ ही वन लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सारे चीज़ मॉडल पेपर भी चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 30 मिनट की नॉन स्टॉप सीरीज को। एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि या युक्ति को कहते हैं, क्या कहा जाता है? इसे रैम कहा जाता है, सॉरी, एक युक्ति, इसे जो है आपका मॉडम कहा जाता है। मॉडम जो है इसका नाम जो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, और ये एक हार्डवेयर घटक है जो कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस जैसे राउटर या स्विच को इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति प्रोवाइड करता है। यह एक टेलीफोन या केबल वायर से डिजिटल डाटा के एक एनालॉग को मॉड्यूलेट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अबेकस क्या है। अबेकस क्या है? तो अबेकस जो है ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। साधारण गणना करने के लिए प्रयुक्त प्राचीन उपकरण है ये। अबेकस का को जो है कंप्यूटर का सबसे प्राचीन रूप माना जाता है। इसका प्रयोग जो है 3000 ईसा पूर्व मानव द्वारा जो है संख्या के अवलोकन के लिए जो है किया जाता था। अबेकस को एक गिनती फ्रेम भी कहा जाता है। अबेकस का प्रादुर्भाव जो है सर्वप्रथम चीन में हुआ था तथा आविष्कार ली काई चेन ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। कंप्यूटर में सबसे अधिक जो है निवेश होने वाली युक्ति कौन सी है? बताइए। तो राइट आंसर कीबोर्ड है, ऑप्शन बी कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है सर्वाधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। यह जो है टाइपराइटर की तरह होता है। आविष्कार से लेके अब तक इसके जो है डिजाइन में बहुत अधिक बदलाव जो है नहीं आया है। हालांकि इसमें एक टाइपराइटर से अधिक की जो है इसमें होता है कि में जो है अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, सिंबल्स, नंबर्स भी इसमें होते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले जो है प्रयोग किया था। किस एजेंसी ने जो है कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग जो है किया था? तो ISI कोलकाता ने किया था। भारत ने अपना पहला कंप्यूटर जो है 1956 में 10 लाख रुपए में खरीदा था, जिसे HEC-2M कहा जाता था, और इसे कलकत्ता के जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था। यह एक नंबर कैचिंग मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं था और आकार में बहुत बड़ा था। यह जो है 10 फीट लंबा, 7 फीट चौड़ा, 6 फीट ऊंचा था। इसने योजना आयोग द्वारा जो है भारत के जो है परमाणु कार्यक्रम की शीर्ष गुप्त परियोजनाओं में जो है वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा था। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर जो है ENIAC था, ऑप्शन सी है। प्रथम पीढ़ी जो है आपका 1944 से 58 तक के टाइम को माना जाता है। इस युग के कंप्यूटर के विकास की प्रतिस्पर्धा में जो है JP एकर्स और जॉन मैकले भी थे। उनकी यह परियोजना जो है 1946 में पूरी हुई, जिस मशीन का नाम जो है उन्होंने ENIAC रखा था। ठीक है, ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर नाम दिया था। सन 1951 में मैकले और एकर्ट ने जो है यूनिवेक वन यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का जो है निर्माण किया, जो बाद में जो है व्यावसायिक रूप से भी उपलब्ध हुआ था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था तथा आंतरिक मेमोरी हेतु मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग
किया गया था। इस पीढ़ी में जो है पंच कार्ड का भी प्रयोग हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा का प्रयोग हुआ करता था, जिसकी क्षमता जो है 1 KB थी, मात्र 1 KB। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ट्रांज रजिस्टर का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था। तो दूसरी पीढ़ी में किया गया था, ऑप्शन बी में है। कंप्यूटर के विकास क्रम को जो है मैंने पहले ही बताया है कि 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्न में से जो है कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसमें जो विंडोज़ दिया हुआ है ये नहीं है, बाकी डी स्पेस, ग्रीन स्टोन, लिनक्स, ये सभी जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जो है विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम की एक श्रृंखला है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक फायरवॉल है, फायरवॉल जो है क्या है। तो फायरवॉल जो है असुरक्षित स्रोतों से पहुंच के अनुरोध को जो है अस्वीकृत करता है, उसे ही फायरवॉल कहा जाता है। फायरवॉल जो है एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की जो है निगरानी और नियंत्रण करती है। एक फायरवॉल आमतौर पर एक विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और इंटरनेट जैसे अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क के बीच जो है अवरोध स्थापित करता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आंकड़ा प्रसंस्करण के लिए एक कंप्यूटर प्रणाली पर प्रयुक्त निर्देशों का एक समुच्चय या कार्यक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, तो सॉफ्टवेयर कहलाता है, ऑप्शन बी है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर जो है निर्देश डाटा या प्रोग्राम का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को निष्पादन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। नहीं है प्रिंटर, बार बार जो है रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है। प्रिंटर जो है अधिकतम एग्जामों में यही चीज़ पूछता है। प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, माउस जो है पॉइंटिंग डिवाइस है, टच स्क्रीन ये जो है एक इनपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मेमोरी इकाई का कार्य है, मेमोरी इकाई का कार्य क्या है। तो आंकड़े निर्देश प्रसंस्कृत परिणामों को रखना, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी ट्रांज रजिस्टरों का जो है प्रयोग करती थी। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी, तो जो है द्वितीय पीढ़ी करती थी, ऑप्शन बी में है, द्वितीय पीढ़ी जो है करती थी। 59 से 64 तक के टाइम पीरियड को जो है सेकंड के नाम से जो है जाना जाता है। इसमें जो निर्वात नली के स्थान पर जो है ट्रांज रजिस्टर का प्रयोग किया गया था, फलतः कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया तथा इसमें विद्युत का प्रयोग जो है काफ़ी कम मात्रा में होता था। इस पीढ़ी में जो है पंच कार्ड के स्थान पर जो है डिस्क का प्रयोग हुआ था और मैग्नेटिक ड्रम का स्थान जो है मैग्नेटिक कोर ने ले लिया था। इस पीढ़ी की क्षमता, कंप्यूटर की क्षमता जो है 100 KB थी, वहीं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की क्षमता मात्र 1 KB थी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विभिन्न सांस्कृतिक संसाधनों को डिजिटलाइजेशन का माध्यम है, क्या है। स्कैनर, डिजिटल कैमरा और आपका मोबाइल फोन, वीडियो कैमरा नहीं होगा। 1, 2 और 4, ऑप्शन डी में है, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे पूर्व किसने डिजाइन किया। कंप्यूटर का सबसे पूर्व जो है किसने डिजाइन किया, यानी कि फर्स्ट में जो है किसने डिजाइन किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन ए है, चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन जो है इनमें से कौन सा नहीं है, तो यूनिक्स नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस है। इनमें से जो है कौन सा उपकरण जो है इनपुट डिवाइस है, तो OCR, लाइटमैन कीबोर्ड।
है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जो दे रखा है इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें जो कोबल दिया हुआ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन डी। देखिए कोबल का पूरा नाम जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड है लैंग्वेज है, जो कि 1959 में ग्रेस मुरे हार्पर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसका विकास किया था। इस भाषा का प्रयोग जो है बैंकों तथा बीमा कंपनियों के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है, कोबल को। और इसमें जो डॉस दिया हुआ है ऑप्शन में, इसका पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रकार का जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच जो है इंटरफेस का कार्य करता है। यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एमएस डॉस का आविष्कार जो है 1981 में हुआ था। लिनक्स जो दिया हुआ है ये एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे 1959 में AT&T के प्लस बेल लैब के द्वारा जो है बनाया गया था। और लिनक्स जो दिया हुआ है ये लिनक्स यूनिक्स जैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुक मार्क का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है बुक मार्क का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट में एक खास सीन पर तेजी से पहुंचने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में एक बुक मार्क उसी उद्देश्य को पूरा करता है जैसा कि आप बुक में रखे गए बुक मार्क को करते हैं। बुक मार्क एक ऐसी जगह को चिन्हित करता है जिसे आप आसानी से ढूंढना चाहते हैं। एमएस वर्ड में बुक मार्क जोड़ना आसान होता है, आपको केवल दस्तावेज के स्थान चिन्हित करना है, फिर टूल बार मेनू पर जाकर सम्मिलित करें बुक मार्क पर क्लिक करना होता है। आपको अपने बुक मार्क के लिए एक नाम का चयन करना होगा ताकि इसके बाद में आसानी से उसे पा सकें। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किसी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की क्या है? तो शिफ्ट प्लस एंटर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आदेश से आप एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट का ऊर्ध्वाधर संरेखण कर पाते हैं? ऊर्ध्वाधर संरेखण जो है कर पाते हैं, तो फाइल मेनू से पेज सेटअप कर पाते हैं, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, एमएस वर्ड में न्यूनतम जूम आउट प्रतिशत कितना होगा? एमएस वर्ड में जो है जूम आउट प्रतिशत कितना होगा? तो 10%, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस जो है क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी होगा इसका। एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा ही किया गया था, और यह एक ऐसा पैकेज है जिसके द्वारा ऑफिस के सभी कार्य किए जा सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर शब्दावली और प्रयोग में बग का अर्थ होता है। बग का अर्थ होता है सॉफ्टवेयर में जो है त्रुटि का चयन करना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्मृति में से कौन अस्थाई है? अस्थाई कौन सा है जो दिया हुआ है? इसमें रैम जो दे रखा है यही अस्थाई है, रैडम एक्सेस मेमोरी, कभी इसका नाम भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लिनक्स का उदाहरण है, लिनक्स किसका उदाहरण है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, ऑप्शन सी।
और लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है का निर्माण जो है 17 सितंबर 1991 में जो है लिमूस टोरवाल्ड के द्वारा जो है किया गया था। लिनक्स यूनिक्स जैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यह जो है GPL 2 लाइसेंस के अंतर्गत पब्लिक के उपयोग हेतु उपलब्ध होता है और इसका कुछ भाग जो है यूनिक्स से प्रेरित है। मूलतः यह जो है मिनिक्स का विकास करके जो है बनाया गया है। यूनिक्स का विकास जो है 1960 के दशक में AT&T की बेल प्रयोगशाला द्वारा जो है इसे बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है, नहीं पूछ रहा है सीपीयू का भाग, तो माउस नहीं है, ऑप्शन सी होगा। देखिए इसमें जो मेमोरी दी हुई है, मेमोरी वह भाग होता है जहाँ पर डाटा या सूचना को संग्रहित किया जाता है ना? और कंट्रोल यूनिट वह यह इकाई जो है निश्चित करती है कि गणितीय तार्किक इकाई को कौन कौन से कार्य जो है संपादित करने हैं तथा परिणाम को किस प्रकार जो है निर्गत इकाई द्वारा प्रदर्शित करना होता है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू के इस भाग में जो है अंक गणितीय कार्य किए जाते हैं तथा कुछ जो है तर्क पूर्वक कार्य जैसे अंकों या अक्षरों की तुलना करना जो है किए जाते हैं। ये तीन का भागों में जो है विभाजित किया जा सकता है सीपीयू को, तो यही तीनों हैं, है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि गूगल द्वारा मोबाइल फोन हेतु विकसित प्रचलन पद्धति ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल द्वारा कौन सा है, तो गूगल के द्वारा जो है एंड्रॉयड का जो है विकास किया गया है। जो मोबाइल आप चलाते हैं वो एंड्रॉयड जो है गूगल के द्वारा विकसित किया गया है और एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह जो है लिनक्स कर्नल और अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एक संशोधित संस्करण पर जो है आधारित है और इसके मुख्य रूप से टच स्क्रीन मोबाइल उपकरणों जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट्स के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में स्थित संस्करण एंड्रॉयड 9 PIE है, ठीक है, पी है, जिसे अगस्त 2018 में रिलीज किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, डी बेस है, डी बेस क्या है, तो डी बेस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक माइक्रो कंप्यूटर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS है जो विंडोज प्लेटफॉर्म पर चलता है। डी बेस एक मायने में अनूठा है, अंगूठा होता है। यह विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के परेशानी मुक्त उत्पादन के लिए जो है अनुमति प्रदान करता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सहायक भंडारण माध्यम यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अंतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इंस्टॉलेशन कहलाती है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मोजिला है, मोजिला क्या है, तो ये वेब ब्राउजर है जैसे गूगल क्रोमो हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सभी जो है मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सभी जो है वेब ब्राउजर होते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ALU का पूर्ण रूप क्या है, ALU का नाम पूछ रहा है आपसे, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही होता है, ऑप्शन ए ही राइट है। अगला प्रश्न है, वायरस है, वायरस क्या है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है वायरस, और ये अपनी कॉपी जो है स्वयं विकसित कर लेता है। अगला प्रश्न है, पिक्स सेल संबंधित है, पिक्सल जो है संबंधित किससे है, तो स्थिरता से संबंधित है। आगे है, बग क्या है, बग जो है क्या है, तो इरर इन अ प्रोग्राम मतलब त्रुटि है।
अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्राप्त परिणाम को कहा जाता है, कंप्यूटर में प्राप्त परिणाम को जो है क्या कहलाता है? तो आउटपुट कहलाता है, ऑप्शन सी होगा। इसे प्रिंटर के माध्यम से जो है या डिस्प्ले के माध्यम से आप आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कंप्यूटर का आंतरिक स्मृति भाग अवस्थित रहता है, कंप्यूटर का जो है आंतरिक स्मृति भाग जो है अवस्थित रहता है, तो सीपीयू में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे नॉन इम्पैक्ट मुद्रण या प्रिंटर कहेंगे? तो लेजर प्रिंटर को, ऑप्शन डी होगा। लेजर प्रिंटर की गति जो है अत्यधिक होती है तथा इस प्रकार के प्रिंटर में एक पृष्ठ का मुद्रण एक साथ ही हो जाता है। यह प्रिंटर जो है विद्युत फोटोग्राफी पे आधारित होती है। वहीं पे लाइन प्रिंटर जो है, इस प्रकार के प्रिंटर की गति जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा जो है अधिक होती है तथा इसमें एक लाइन एक बार में मुद्रित की जाती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेज का क्या नाम है जो लगते ही प्रयोग के लिए तैयार हो जाता है, लगते ही तैयार हो जाता है? तो टर्न की कंप्यूटर प्रणाली, ऑप्शन सी। आगे हैं, देखिए टर्न की जो है सिस्टम के में विशेष एप्लीकेशन के लिए आवश्यक सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है शामिल होते हैं और आमतौर पर पर जो है ये OES जो है, OES यानी कि मूल उपकरण निर्माता द्वारा जो है विकसित किया गया है, जो किसी अन्य कंपनी के कंप्यूटर जो है खरीदते हैं और फिर स्वयं सॉफ्टवेयर और डिवाइस जोड़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सी कंप्यूटर मेमोरी अनिवार्यतः रिक्त तो होती है? ऑप्शन आपके हैं, तो रैम होता है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप इनपुट और आउटपुट विधियों का जो है मिश्रण मानेंगे? तो वीडियो को ना, यानी इसका वीडियो का पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। शब्द जो है अक्सर मॉनिटर के साथ समान रूप से जो है उपयोग करते हैं, लेकिन यह एक अन्य प्रकार के डिस्प्ले जैसे डिजिटल प्रोजेक्टर का भी उल्लेख कर सकता है। प्रारंभिक वीडियो मुख्य रूप से जो है कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले थे और आमतौर पर इसका विकिरण आकार जो है 13 इंच या उससे कम होता था। आगे है, विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है जिसमें इंटेल 80386 माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन सी होगा, डेक्स प्रो 386। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इनमें से क्या जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? मैं काफी, ऑप्शन डी होगा, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल, ये सभी नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को अपने आवश्यक काम करने में मदद करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कामों को करने के लिए लिखे जाते हैं। आवश्यकता अनुसार जो है भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए जो है भिन्न भिन्न जो है सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, बुलेटिन बोर्ड सेवा से आपका क्या मतलब है, बुलेटिन बोर्ड सेवा से जो है आपका क्या मतलब है? तो इसका एक बड़ा मेल बॉक्स होता है, ये भी सही है। एक संचार प्रणाली है, ये भी सही है। यह ईमेल प्रणाली से काफी मिलता जुलता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर सी
सभी विकल्प जो है सही हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सम्मिलित करना है, लिस्ट वन से जो है लिस्ट टू को जो है सम्मिलित करना है। तो देखिए इसमें आई बिड जो दिया हुआ है ये सेम रेफरेंस यानी कि पूर्वोक्त कृत से रिलेटिव है। पूर्वोक्त कृत यानी कि ऑप्शन 3 होगा। लाख सीट जो आपका है ये उद्धृत उद्धृत पूर्वालिखित से रिलेटिव है। अप सीट जो दिया हुआ है आपका पूर्व में उद्धृत 2 होगा। वाइड जो है देखिए इसे तो 3 4 तीन चार देखिए किस में है। 3 4 जो है ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है अभिकथन दिया है कि आधुनिक एकीकृत पुस्तकालय सॉफ्टवेयर मतलब प्रबंधन सॉफ्टवेयर वेब पर जो है उपयोगिता मैत्रीपूर्ण ग्राफिक यूजर इंटरफेस को जो है प्रस्तुत करते हैं और तर्क है कि आधुनिक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर के लगभग प्रत्येक मॉड्यूल इंटरनेट में माध्यम से अधिगम है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है इसके राइट हैं। ऑप्शन ए होगा। अगला है BIOS में सम्मिलित रहता है। तो बूट स्टेप्स प्रोग्राम रहता है इसमें और कैरेक्टर्स को जो है कोड प्रोग्राम में परिवर्तित करना। तो 2 और 4 इसका जो है राइट आंसर होगा। देख लीजिए किस में राइट आंसर है। 2 और 4 ऑप्शन डी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो क्या डाटा का प्रकलन कर सकता है, स्वयं की प्रति कर सकता है, कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है। ये तब तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर फाइल के संगठन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। कंप्यूटर फाइल के संगठन को जो है प्रभावित करने वाले तत्व जो है कौन से हैं। तो प्राप्ति की गति ये भी होगा आपका और संग्रह की जगह ये भी होगा। निश्चित लंबाई क्षेत्र ये नहीं होगा। फाइल चंचलता होगा। एक जो है आपका 1 2 और 4 इसका राइट आंसर है। 1 2 और 4 ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न हमारा है बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार सही क्रम की पहचान कीजिए। बढ़ती हुई भंडारण क्षमता के अनुसार जो है सीक्वेंस में इसे जो है मिलाना है। तो कार्टेज है ना, कार्टेज, सीडी रोम, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रोजन हॉर्स वायरस रोपित करता है, क्या करता है। तो टेम्परिंग, डी कैप्शन और इंद्र इंदूजन करता है यानी कि 2 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए किस में है। 2 3 और 4 ऑप्शन बी में है।